See, there is a kite that is flying. Understand this. Now the kite knows what it wants to do. It is firmly connected to its root. And who is its root? जो उसको उड़ा रहा है. तो क्या कितनी भी हवा आए काइट पर भी बहुत असर पड़ सकता है? पड़ेगा. लेकिन काइट अपने आप को संभाले रहे. बिकॉज द काइट इज कनेक्टेड टू इट्स सोर्स. राइट. ऑन द अदर हैंड टेक द एग्जांपल ऑफ अ काइट दैट हैज बीन सीवर्ड फ्रॉम इट्स सोर्स. जिसका मांसा कट गया है, जिसका धागा कट चुका है, उसके साथ हवाएं क्या करेंगी? क्या करेंगे उसके साथ हवाएं? हवाएं उसको जहां चाहेंगे ले जाएंगे. अब काइट होती रहे मेरे साथ दुनिया ने ये कर दिया, कोई भी आता है मुझे परेशान कर देता है. अभी एक झोंका आया था वो मुझे उधर को ले गया, अब अगला झोंका आया वो मुझे इधर को ले गया. मुझे दुनिया भर की ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ती है. एक झोंका आता है कहता तुम्हारी ऑब्लिगेशन उधर को जाना, तुम उधर को चल देती हूँ. अगला आता है कहता उधर को जाओ. काइट ऐसे गिरते गिरते आई, एक दिन आईटीएम में गिर पड़ी, तो इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी उसने, क्योंकि हवा का झोंका था जिसने उसको इतनी जोर से धक्का दिया और उसको फर्स्ट ईयर में डाल दिया. तो अभी वो इंजीनियरिंग कर रही है. क्या करेगी जब पतंग को पता ही नहीं है अपने होने का? तो वो निर्भर है सिचुएशन की दया पर, है कि नहीं? अभी गिर पड़ेगी, गिरने के बाद भी क्या होगी? एक पतंग जो अपने सोर्स से जुड़ी होती है, जब वो जमीन पे वापस भी आती है तो उसका क्या होता है? उसको संभाल के रख दिया जाता है. अब वो काबिल है कि दोबारा भी उड़ सके, ठीक है ना? वो काबिल है कि दोबारा भी उड़ सके. और एक पतंग जो ऐसे 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 होके जमीन पे आती है, उसका क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू दैट? इट इज नॉट कनेक्टेड टू इट्स सोर्स. उसका क्या होता है? सड़क पे गिरेगी तो गाड़ियां उसके गुजर जाएंगी, कहीं और गिरेगी तो कुछ फाड़ देगा, कहीं और गिरेगी तो कुछ और हो जाएगा. और काइट क्या कर रही? कंप्लेन कर रही, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही बुरा होता रहता है, दुनिया बड़ी खराब है. जो पतंग अपने सोर्स से उड़ी है, जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं उसे और ऊपर ले जाती हैं. इज दैट ट्रू और नॉट? हाउ डज अ काइट रीच ग्रेट हाइट्स? काइट में इंजन लगा हुआ है, वही हवाएं काइट के लिए मददगार साबित होती हैं, राइट? द वेरी सेम विंड्स, देयर फोर्स कैरीज द काइट हायर एंड हायर इन द स्काई. वेयर एज द सेम काइट वंस severed from its source, once dissociated from its origin, finds that the same winds have become its enemies. The winds are the same. The external situations are just the same. It's just a question of whether you are connected, whether you know yourself. If you know yourself, then nobody in the world, no force, no gust of wind, no power, no parents, no society has the power to control you, to enslave you, to make you do things that you do not want to do. My question to you is, do you really know what you want to do? The day you come to know what you want to do, nobody can enslave you. Today, if you find that there are so many obligations and you find yourself compelled to meet those obligations, the only reason is you do not know what you want to do. एक प्लॉट जब खाली पड़ा रहता है, एक सोसाइटी है जिसके बीच में एक प्लॉट खाली पड़ा है, तो आमतौर पर आपको पता है उस प्लॉट में क्या होता है? लोग आगे अपना कूड़ा डालते रहते हैं. आप वो प्लॉट हो जो खाली पड़े हो, आप उस पर अपना घर बना लो, कोई इस पर कूड़ा नहीं डालेगा. जब आपको पता ही नहीं है कि आपको उस पर बनाना क्या है, तो सब अड़ोसी पड़ोसी आके उस पर अपना कूड़ा डाल रहे हैं आपके ऊपर. कोई आके बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है एमबीए कर लो, कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलेगा शादी कर लो, कोई बोलता है बहुत मोटे होकर तुम्हें हो जाओ, कोई बोलेगा तुम बोलते हैं थोड़ा ज्यादा बोला करो, कोई बोलेगा नहीं नहीं एमएस करना, तुम तो यूएस जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, कोई बोलेगा नहीं एंटरप्रेन्योरशिप करो, कोई बोलेगा नहीं आओ फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो. ये सब कुछ नहीं है, ये सब अड़ोसी पड़ोसी हैं जो आके कूड़ा कचरा तुम्हारे खाली प्लॉट पे डाल रहे हैं. गलती किसकी है? उनकी गलती है, उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो खाली प्लॉट देखा, वो खाली प्लॉट तुम्हारा खाली दिमाग है, वो उसमें आकर के अपना कूड़ा डालते रहते हैं, तुम क्यों डालने दे रहे हो?
Why don't you create your own beautiful mansion there? Yes? Why don't you create it? Once you have created it, there can be no obligations. कोई आज गलती नहीं फैला सकता, फैला सकता है क्या? गलती किसकी? और तुम कब बना पाओगे कुछ? बनाओगे तब ना जब तुम्हें पता होगा तुम्हें बनाना क्या है। केवल ऐसे ही जाके ईंटें रखना तो शुरू नहीं कर सकते। Do you know who you are? Do you know what does it mean to build a life? That mansion is your life. Do you know what does it mean to build a life? Once you know that, no force in the world can enslave you. If you do not know that, then let everybody come and throw their garbage.